Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. We will continue the previous lecture as we have discussed a question which is related to the procedure in which we have drawn equal area triangles in quadrilateral shape. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक मजीद क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जिसको आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना उसका नेम पी क्यू आर एस है. ठीक है, और साथ ही इसके लिए हमें कंडीशंस गिवन है कि हैविंग मेजरमेंट क्यू आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और मेजरमेंट आर एस इक्वल्स 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एस पी इक्वल्स 2.75 सेंटीमीटर. ठीक है, और मेजरमेंट एंगल क्यू आर एस आपको यहाँ पे डिफाइंड है डेट इज 60 डिग्रीज, और एक और एंगल यहाँ पे डिफाइन है डेट इज मेजरमेंट एंगल आर एस पी डेट इज 90 डिग्रीज. ठीक है, अब इन मेजरमेंट्स की हेल्प से ना यहाँ पे हमें सबसे पहले तो फिगर बनानी है. ठीक है, और फिगर के बाद फिर हमें नेक्स्ट वर्किंग करनी है. तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि डिसाइड करते हैं बेस क्या होनी चाहिए. आप यहाँ पे देखें कि एक एंगल आर पे मौजूद है, एक एंगल एस पे मौजूद है. ठीक है, आर और एस गिवन है ना, इसका मतलब ये है कि एंगल्स को देखते हुए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फर्म है कि हमें यहाँ ड्रॉ कर लेनी चाहिए आर एस मेजरमेंट को बेस में. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल सबसे पहले तो हम आर एस मेजरमेंट को बेस में ड्रॉ करते हैं डेट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल 6 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद ना नेक्स्ट वर्किंग हमारी ये है कि हमें आर और एस पे एंगल्स ड्रॉ करने हैं. अब क्वेश्चन में अगर मेंशन हो के आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल एंगल मेंशन करने हैं जिसमें आपने कंपास का यूज करना है तो कंपास यूज करना है, लेकिन अगर उन्होंने प्रोटेक्टर का कहा हुआ है, प्रोटेक्टर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी अपनी चॉइस है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं वर्किंग कर रही हूँ ना उसमें अगर आर और एस रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेट इज 6 सेंटीमीटर, तो उस आर पे एंगल ड्रॉ करते हैं 60 डिग्री का. ठीक है, तो आर पॉइंट पे अगर हम 60 का एंगल ड्रॉ करें ना तो हम क्या करते हैं कि यूं करके 60 डिग्रीज प्रॉपर मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अब एस पॉइंट पे हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना है तो एस पे भी आप 90 का एंगल ड्रॉ करना है, बट नॉट नेसेसरी कि दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए क्योंकि वो तो डायगोनल हो जाएंगे, और हम जब क्वाड्रिलेटरल शेप ड्रॉ करते हैं ना तो उसमें हमेशा हमें जो मेजरमेंट लेनी है उसमें इतना तो कन्फर्म है कि जो साइड्स हैं वो चार आनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते भी है ना तो हमारे किसी काम के नहीं है. ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्किंग पे. अब हमें यहाँ पे जो जो साइड्स मार्क कर ली है ना उनको जरा टिक मार्क कर लेते हैं. ठीक है, और देखते हैं कि मजीद क्या वर्किंग करनी है. क्यू आर 7 सेंटीमीटर है. अगर क्यू आर 7 सेंटीमीटर है ना तो क्यू आर 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 7 सेंटीमीटर ओपन करते हैं कंपास को. ठीक है, यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया. ठीक है, इसके रेडियस को इस पॉइंट पे रखें. रखने के बाद आपने एक आर्क मार्क करनी है, बट यहाँ आप देख सकते हैं आर्क जब हम मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो वो आर्क जो है वो एरो से आगे है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें मजीद इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि हम उस पॉइंट को मार्क कर सकें इजीली. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड किया करने के बाद आप यूं करके आर्क मार्क कर दें. आर्क से सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, जो एक्स्ट्रा आर्क आ रही है उसको बेशक रेस कर दें और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है आप उसको क्यू मार्क कर दें, क्योंकि आर से रख के आर्क लगाइए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू के इक्वल आएगा.
अब हम ऐसा करते हैं कि SP मार्क कर लेते हैं, SP 2.75 है, तो S पे रख के आपने 2.75 की आर्क लगानी है। आप देखिए 75 का स्केल तो नहीं होता, लेकिन 2.7 से अप्रॉक्स थोड़ा सा आगे आपने आर्क लेनी है, ठीक है। मतलब 2.7 से थोड़ा नेक्स्ट होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2.7 से थोड़ा सा आगे, मतलब 2.7 और 2.8 के दरमियान आप रख के ना स्केल पे कंपास को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप एक आर्क लगा दें, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने पी मार्क कर देना है, ठीक है। और अब हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जो बहुत एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं या लाइंस आ रही हैं उनको रेज कर देते हैं ताकि फिगर हमारी थोड़ी नीट हो जाए, और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं पी से। जब क्यू को पी से ज्वाइन करेंगे ना, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेटल शेप मिल गई है, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेटल शेप में अब हमें इक्वल एरिया की ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली वर्किंग तो देखें हमें क्या करनी थी, ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेटल पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटल में जितने भी मेजरमेंट्स है ना, जैसे आपने क्यू आर ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर की इक्वल, क्यू पी की कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है, बट एस पी की मेजरमेंट गिवन है 2.75, आर एस की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, और बाकी यहाँ पे एंगल्स गिवन है। आर पे जो एंगल आपने ड्रॉ किया है वो 60 डिग्रीज है, और जो एस पे एंगल ड्रॉ किया है वो 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो मतलब मैंने सारे एंगल्स की लोकेशन यहाँ पे मैंशन कर दिया। अब देखिए हमें जो न्यू वर्किंग करनी है ना, उसमें एक डायगोनल कंसीडर करके उस डायगोनल के कोरिस्पोंडिंग इक्वल एरिया की ट्राइंगल लेनी है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी डायगोनल यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले क्यू को एस से या पी को आर से ज्वाइन करना है। अब देखिए आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी डायगोनल को ले, तो मैं क्यू को एस से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। क्यू को एस से ड्रॉ करेंगे ना ज्वाइन करके, उस इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ना ये जो बेस है मींस आर एस है, इसको प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, उस पॉइंट को आप पॉइंट पी का नाम दे दें, ठीक है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ किसी डिफरेंट पेन से ये पॉइंट। वैसे तो हम इसको पी कहते होते हैं, लेकिन अब देखें पी ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, बेशक आप इसको ए मार्क कर दें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। अब मैं येलो कलर करियो शेप को, वो शेप बेसिकली रिक्वायर्ड शेप है, ठीक है। मतलब क्यू को मैंने आर से ज्वाइन किया, आर को मैंने ए से ज्वाइन किया, और ए को मैंने क्यू से ज्वाइन किया। तो ये जो येलो कलर में आपको शेप नजर आ रही है ना, बेसिकली ये शेप रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जिसका एरिया जो ओरिजिनल शेप थी ना, मतलब कोऑर्डिनेटर शेप पी क्यू आर एस था, उसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्यू आर ए, क्यू आर ए ये ट्राइंगल है जिसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें यही फाइंड करना था। अब हम मजीद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करने के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है मजीद कोऑर्डिनेटर से जो ट्राइंगल बनाने के हैं वो लिखेंगे।